हेलो दोस्तों, मैं हूँ माधवी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है माधवीज़ किचन में। आई होप आप सभी हेल्दी और सेफ होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ एगलेस टिरामिसू केक। ये एक इटालियन डेजर्ट है, खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस, सॉफ्ट और क्रीमी लगता है। कुछ व्यूवर्स की रिक्वेस्ट भी थी तो आज मैं आपके लिए ये टिरामिसू केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसान है और घर की चीज़ों से ही आसानी से हम इसे बना सकते हैं। इसके लिए जो मस्कारपोने चीज़ यूज़ होती है वो भी हम घर पर ही बनाएंगे, क्योंकि वो आसपास मार्केट में ईजिली नहीं मिल पाती है। दोस्तों, आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आइए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना एगलेस टिरामिसू केक। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मस्कारपोने चीज़। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अमूल फ्रेश क्रीम ली है, 250 ml का ये पैक है, और क्रीम को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक सॉस पैन में। ये देखिए, इस तरह से मस्कारपोने चीज़ जो होती है वो क्रीम से बनाई जाती है। अगर आपके पास क्रीम चीज़ है तो आप क्रीम चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, सॉस पैन को हम रख देंगे गैस के ऊपर और इसे हम गरम करेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। जैसे हम दूध को फाड़ते हैं पनीर बनाने के लिए, उसी तरह से हमें इस क्रीम को फाड़ना है और इसकी चीज़ बनानी है हमें। तो ये देखिए, हमारी जो क्रीम है इसमें बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 tablespoon नींबू का जूस और फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि ये हमारी जो क्रीम है ये फटने लगी है और एकदम से ये गाढ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये देखिए। तो 1 minute तक इसी तरह चलाते हुए लो फ्लेम पर हम इसे फटने देंगे और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो ये देखिए, क्रीम अच्छे से फट चुकी है, एकदम गाढ़ी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बोल के ऊपर रखेंगे इस तरह से स्ट्रेनर और उसमें हम ये जो क्रीम है इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। इससे क्या होगा, क्रीम में जो भी पानी है ना वो नीचे बोल में जमा हो जाएगा और चीज़ जो है वो ऊपर स्ट्रेनर में जमा हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से जो पानी है वो नीचे से बोल में जमा हो जाएगा। इसे हम 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि जो चीज़ है इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ये देखिए, 1 घंटे के बाद हमारी मस्कारपोने चीज़ रेडी हो गई है। ये देखिए, इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी था वो नीचे बोल में जमा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। ये देखिए कितनी क्रीमी ये चीज़ हमारी बनकर रेडी हुई है। ये देखिए, इसकी जगह पर हम क्रीम चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम चीज़ और मस्कारपोने चीज़ में यही डिफरेंस है कि क्रीम चीज़ जो है वो फुल फैट मिल्क से बनती है और ये मस्कारपोने चीज़ होती है ये क्रीम से बनती है। दोनों में यही डिफरेंस है। इसे हम 2-3 मिनट के लिए बीट कर लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 tablespoon पिसी हुई चीनी और चीनी को भी चीज़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट इसे भी बीट कर लेना है ताकि ये जो चीज़ है एकदम क्रीमी और स्मूथ हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर, कितनी क्रीमी और स्मूथ चीज़ ये हमारी बनी है। तो चीज़ हमारी रेडी है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 cup व्हिपिंग क्रीम। कोई सा भी व्हिपिंग क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये चिल्ड व्हिपिंग क्रीम मैंने यहाँ पे यूज़ की है। इसमें शुगर और फ्लेवर पहले से एडेड है तो इसमें हमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें इसे बीट करते जाना है। बीट करने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और ये क्रीम गाढ़ी भी हो जाएगी। तो ये देखिए, 5 मिनट बीट करने के बाद हमारी क्रीम कुछ इस तरह की हो गई है। इसमें सॉफ्ट पीक्स आ गए हैं, ये देखिए। तो इसे हम 2-3 मिनट और बीट कर लेंगे ताकि हमें स्टिफ पीक्स मिलने लग जाए। ये देखिए, 2-3 मिनट के बाद ये क्रीम और भी गाढ़ी हो गई है, वॉल्यूम में ऑलमोस्ट डबल हो गई है ये क्रीम। और ये देखिए, स्टिफ पीक्स भी आ गए हैं। तो क्रीम हमारी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट क्रीम हमारी बन गई है। क्रीम तो हमारी हो गई है रेडी। तो आइए अब हम थोड़ी सी इंस्टेंट कॉफ़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक बोल में लेंगे 2 teaspoon इंस्टेंट कॉफ़ी। कोई भी ब्रांड का इंस्टेंट कॉफ़ी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेस्कैफे क्लासिक यूज़ किया है। 1 tablespoon चीनी इसमें डाल देंगे और 1 cup गर्म पानी इसमें डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कॉफ़ी और चीनी इस पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें हम बिस्किट्स को सोक करेंगे। तो ये देखिए, चीनी और कॉफ़ी अच्छे से मिक्स हो गई है पानी में। इसे हम साइड में रख देते हैं और अब हम
तिरामिसू को सेट करने के लिए एक कंटेनर रेडी करेंगे। तो कंटेनर में पहले हम लगाएंगे बेकिंग पेपर। तो मैंने यहाँ पर इको बेक बेकिंग पेपर ले लिया है। मैंने यहाँ पर 8x8 इंच का एक केक टिन लिया है। आप चाहें तो कोई ग्लास का भी कंटेनर ले सकते हैं। ये देखिए, केक टिन को मैं अच्छे से बेकिंग पेपर से लाइन कर दूंगी। इससे क्या होगा, हमारा जो टिरामिसू केक है उसे केक टिन से निकालने में आसानी होगी। हमें आसानी से उसे हम केक टिन से बाहर निकाल सकते हैं। तो केक टिन हमारा हो गया है रेडी, इसे साइड में रख देते हैं। टिरामिसू बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पर इस तरह के रस्क। ये सभी घरों में आसानी से मिल जाते हैं। चाय के साथ अक्सर हम ये रस्क खाना बहुत पसंद करते हैं। तो यही रस्क यूज़ करके हम टिरामिसू केक बनाएंगे। जनरली टिरामिसू केक में लेडी फिंगर बिस्किट्स का यूज़ होता है, जो हमें यहाँ पे नहीं मिल पाएंगी, तो हम ये रस्क से काम चला लेंगे। इससे भी ये जो केक है बहुत टेस्टी बनता है और ये काफ़ी ईजिली अवेलेबल भी होता है, सभी जगह आसानी से मिल भी जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ये जो हमारा रस्क है ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है, बड़ा है, तो इसे मैं कट कर लूँगी दो टुकड़ों में। इस तरह से कट करके मैंने प्लेट में रख दिया है। ये देखिए इस तरह से। आपके पास अगर छोटे वाले रस्क हैं तो आप उसे बिना कट किए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम असेंबल करना शुरू करते हैं। तो जो केक टिन हमने रेडी करके रखा था उसमें हम इस तरह से रस्क को कॉफ़ी में सोक करके रखते जाएंगे। ये देखिए, एक एक रस्क को हम लेंगे, इसे कॉफ़ी मिक्सचर में सोक कर लेंगे और इसको हम इस तरह से प्लेस करते जाएंगे केक टिन में। ये देखिए इस तरह से क्या होगा, जो रस्क हमारे हैं ये कॉफ़ी को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है रस्क के अंदर, और रस्क जो है वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से साइड में थोड़ा सा कम पोर्शन बचा है, तो हम रस्क को आधा आधा तोड़कर इस तरह से इसमें प्लेस करेंगे और जो बीच में जगह बची है उसे भी रस्क के टुकड़ों से इस तरह से हम फिल कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक लेयर रस्क का केक टिन में लगा दिया है। इसके ऊपर हम इस तरह से क्रीम को स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए स्पैचुला से इवनली चारों तरफ क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। ये देखिए इससे क्या होगा, जो क्रीम है ये चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी और जितना रस्क के बीच में खाली जगह है ना वो सब क्रीम से भर जाएगी। अब क्रीम के ऊपर हम थोड़ा सा ग्रेट करके डालेंगे चॉकलेट। तो चॉकलेट का एक स्लैब है मेरे पास, तो उसे मैं इस तरह से ग्रेट करके डाल दूंगी। इससे क्या होगा, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, देखने में भी अच्छा लगता है। अब हम इस पर डालेंगे दूसरा लेयर रस्क का। तो रस्क को फिर से हम सोक करके इसके ऊपर एक और लेयर रस्क का इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए, तो एक और लेयर मैंने रस्क का इसके ऊपर लगा दिया है और अब हम फिर से क्रीम का एक लेयर रस्क के ऊपर इस तरह से इवनली स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए चारों तरफ क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर देना है हमें। अब हम क्या करेंगे, क्रीम को इस तरह से स्पैचुला से स्मूथ कर लेंगे। अब डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर बेकिंग पेपर के कुछ स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स मैंने कट कर लिए हैं। स्ट्रिप्स को हम इस तरह से केक के ऊपर प्लेस कर देंगे। ये देखिए इस तरह से केक के ऊपर बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन हम बनाएंगे। तो इसके लिए इस तरह से स्ट्रिप्स हम केक के ऊपर प्लेस कर देंगे। तो ये देखिए पूरे केक के ऊपर मैंने बेकिंग पेपर से स्ट्रिप्स को इस तरह से लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम डस्ट करेंगे कोको पाउडर। तो कोको पाउडर इस तरह से एक छोटे से स्ट्रेनर में मैंने ले लिया है और इसे इस तरह से डस्ट करेंगे। इससे केक बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। अगर आपको कड़वा लग भी रहा है तो आप इसकी जगह पर ड्रिंकिंग चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिप्स हमने इसके ऊपर लगाई थी उसे धीरे से इस तरह से निकाल देंगे। तो इससे क्या होगा, केक के ऊपर इस तरह से कोको पाउडर की स्ट्राइप्स बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये डिज़ाइन देखने में। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मली कोको पाउडर को पूरे केक के ऊपर डस्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगा है हमारा केक इस डिज़ाइन के साथ। मेरे पास थोड़ी सी क्रीम बच गई है, तो मैं क्या करूँगी, इस तरह के ज़िपलॉक बैग में क्रीम को भर लूँगी। ये देखिए थोड़ी सी क्रीम मेरी बच गई है, तो ज़िपलॉक बैग में क्रीम को भर कर
मैं केक के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन भी बना दूंगी इस तरह से। तो इसमें नोजल की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना नोजल के ही इस तरह से केक के ऊपर मैंने अच्छे से डिज़ाइन बना दिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा टिरामिसू केक। टिरामिसू केक हमारा रेडी है, इसे हम रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं। इसके बाद टिरामिसू केक हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए 5 से 6 घंटे के बाद फ्रिज से हम निकाल लेंगे टिरामिसू केक, और केक टिन से इस तरह से हम केयरफुली केक को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से केक हमारा बाहर आ गया है। टिरामिसू केक हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल और डिलीशियस लग रहा है देखने में। आइए इसे कट करते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट टिरामिसू केक हमारा बना है। तो दोस्तों देखा ना आपने, घर पर बने हुए मस्कारपोने चीज़ के साथ ये हमने कितनी आसानी से टिरामिसू केक बनाया है, और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ना मिल पाए। एकदम इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने ये केक बनाया, और ये केक बहुत ही लाजवाब बनता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखने में तो सुंदर है ही, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये केक। ये देख सकते हैं आप इसके लेयर्स कितने अच्छे से आए हैं। तो दोस्तों इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों मेरी ऐसी एक आसान सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।